अस्सलाम वालेकुम सजनों तो बेलिया मखनों तो मित्रों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए भी फर्स्ट स्टोरी की बात करते हैं जो कि रजा समो से रिलेटेड है। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि रजा समो की शादी हो चुकी है। उनकी मैरिज सेरेमनी में कराची के कुछ यूट्यूबर्स वगैरह हैं जिनमें कनेक्ट कुशान, अजलान शाह और कुछ और क्रिएटर वगैरह थे। तो कनेक्ट कुशान की वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ जहाँ पर वो कुछ ये कह रहे थे। भैया बहुत बहुत मुबारक हो रजा सम्मो को, सब लोग आए हुए हैं माशाल्लाह से। ये तुम आ जाओ, सब घेर लो। और कुछ यूट्यूबर्स की आप पिक्चर सामने देख सकते हैं। तो हमारी तरफ से रजा सम्मो को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। तो रजा सम्मो फ्यू डेज में अपने चैनल पर व्लॉग भी अपलोड करेंगे, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा मैं। तो चलिए भी अगली स्टोरी की बात करते हैं जो कि जन्नत मिर्जा और उमर भट्ट से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने कुछ न्यूज सुनी होगी कि इनका ब्रेकअप हो चुका है। उन्होंने ये सब क्लियर कर दिया कि ये सब रूमर्स वगैरह, हमारा कोई ब्रेकअप वगैरह नहीं हुआ। उमर भट्ट ने ये पोस्ट शेयर करते हुए कुछ ये लिखा था। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि कुछ क्रिएटर वगैरह कह रहे थे कि ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं उमर भट्ट और जन्नत मिर्जा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ वगैरह नहीं है, ये सब रूमर्स वगैरह है। उन्होंने बताया कि कुछ व्यूज लेने के चक्कर में ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है। तो जन्नत मिर्जा का इस पर रिप्लाई आया, उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए कुछ ये लिखा था, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, कोई रिश्ता नहीं टूटा, उमर ने क्लीन शेव की है बताए बगैर, पूछे बगैर। उस पे एक सरकास्टिक हुमर्स रिएक्शन था जो शायद सब ही का हो जब उनका फियांसे पूछे बताए बगैर ये हरकत करे। तो चलिए भी अगली स्टोरी की बात करते हैं जो कि नदी मुबारक से रिलेटेड है। तो आप लोगों को पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि इनका एक यूट्यूब चैनल था जो कि डिलीट हो चुका है। इनकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी बदला ब्रदर के साथ। उन्होंने ये बताया था कि एक वीडियो उनके चैनल पर आने वाली है, मीन्स के उनका न्यू चैनल भी आने वाला है। तो काफी दिनों के बाद उनका चैनल नहीं आया, मीन वो वीडियो भी नहीं आई। तो अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट शेयर की, लिखा, डकी भाई मेरा संडे व्लॉग आ रहा है या नहीं जरा बता दो। डकी भाई ने कहा इंशाल्लाह कोई शुगल मेला लगाते हैं लाजमी। ओके लेट्स सी, अगर संडे मेरा व्लॉग नहीं आया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो चलिए अगली स्टोरी की बात करते हैं जो कि सबा कमर जमान से रिलेटेड है। तो इनके यंगर ब्रदर की डेथ हो चुकी है। मे सोल रेस्ट इन पीस। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सभी कॉमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना है। तो चलिए अगली न्यूज की बात करते हैं जो की काशर किंग से रिलेटेड है। तो आप लोगों को पता हुआ की पार्क व्हील्स में एक शो हुआ था सियालकोट में, जहाँ पर एक यूट्यूबर हसन भट्ट वो काशर किंग की गाड़ी पर कुछ हंसे थे। तो मुझे उनकी वीडियो वगैरह तो नहीं मिली, अगर मिलती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो उनका रिप्लाई वगैरह भी आया था। तो काशर किंग के वो व्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो उसके बाद उस यूट्यूबर ने भी रिप्लाई दिया, वगैरह नहीं होगी। अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, फुल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एक बात मेरे ध्यान में आ गई, वो कहते हैं ना कि वो मैंने एज अ फन लिया था। तो मैंने ये कहना चाहता हूँ यार, देखो तुम या मेरे कुछ भी नहीं लगते, मेरे दोस्त भी नहीं हो, मेरे कुछ भी नहीं हो। कोई मुझसे पूछता है मैं आपको जानता हूँ या उसको जानते हो, नहीं जानता। तो मेरा मजाक करना तो बनता ही नहीं है, तो मेरे पे मजाक, आपको पता है, ये बात मैं सीरियस ले जाऊँगा। आपको पता था और आपने फिर वही हरकत की, इस चीज़ को भी छोड़ो। हाँ, रन की बात करते हो, मैंने तुम्हें रन के लिए कोई चैलेंज नहीं करना। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र ऐसा वक्त ना लेके कि आपसे रन करना पड़े मुझे। आप जाके करें जो आपसे रन करना पसंद करें ना भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके लिए स्पेशल आए और रन करें। मैं क्यों, मैंने तुम्हें कब कहा तुम्हें रन करो आके? मैं तो ये कह के मैं लगवा लूँ तो भाई तुम्हें भी निकल जाऊँ, मुझे शौक ही नहीं है। मुझे एक अपनी खूबसूरत गाड़ी रखने का शौक है, रखी हुई है। एक और बात बता दूँ, कभी ना किसी की जैसी में दूसरी गाड़ी में लकीर नहीं मारी कि अगले आके दुकान पर आके टेबल उठा के चले जाएँ। दूसरी बात, तीसरी बात, कभी किसी गरीब को शटर नीचे करके नहीं मारा मैंने। तीसरी बात, और कोई बात कहना बनती है यार? अपना असल चेहरा लेकर सबके सामने पर्दे में रहने दो, क्यों क्यों मुंह खुलवा रहे? मैं अलग ही सब मैं खोलने पे, मैं वहां को सब सच बता दूंगा, मैं भी बता दूंगा। और आपके साथ जितने बंदे 120 आपके फ्रेंड्स रह चुके हैं पास्ट के, वो सबको भी मैं ले आऊंगा, सब बता देंगे, सब आपके खिलाफ है इस वक्त। ओके, आपने कभी किसी के साथ बना के रखी ही नहीं, आपने जिनके साथ आज हो कल को उनके भी खिलाफ हो गए। आपको तो ऐसे बंदे हो। बात मैंने करनी थी, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फॉलो करें, नो हेट फॉर एनी वन, स्टे हम्बल ब्रो, अपने काम से काम रखो, मुझे अपने काम से काम रखने दो। हमारे साथ कोई रन नहीं है मेरा, अपने बंदे के साथ जाकर रन करो, जिस जो तुम्हारा दोस्त है उसके साथ जाकर रन करो। गाड़ी आपने मीना रखी हुई है, काइंडली जाएं उसके साथ रन करें, अपनी गाड़ियां रन करें। हमें छोड़ दो यार, हम गरीब बंदे हैं, हम अपने दोस्तों में आपस में रन करते हैं, हम खुश रहते हैं। नहीं नहीं, मैंने आखिरी बात करनी थी, देखो कोई फाइट नहीं है तुम्हारी और मेरी, ठीक है? मैंने बस तुम्हारे बात का तुम्हें जवाब दिया है कि तुम्हारा मैं दोस्त नहीं हूँ। तुम किसी अननोन पर्सन से तुम उसका मजाक उसके साथ मजाक करोगे तो वो गुस्से में लड़ पड़ेगा तुमसे, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, तो गुस्सा करेगा वो अगला। तो इससे फ़ायदा इससे यही है कि मैं अपनी वीडियोस में बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, मैं खुश हूँ, आप अपना बनाओ, आप खुश रहो। इसके बाद अगर आप मेरे पे दोबारा कोई बात करोगे।
तो फिर आपकी मेरी जंग है, दोनों में से एक बात है, ठीक है। तो यही है कि आप अपना करो, मैं अपना करूँ, कोई जो आपकी कोई जरूरत है ना, मुझे आपकी कोई सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, आपको कोई रिप्लाई चाहिए ना, कोई आंसर चाहिए। आप अपनी बनाएं, मैं अपनी बनाता हूँ, एंड तक बाद मेरे पे अपना मजाक नहीं करना, ना मेरे पे कोई जोक बनाना या मेरे साथ कोई भी हल्का फुल्का हंसी मजाक। कोई पूछेगा काशी को जानते कहते नहीं जानते, बात खत्म। तो काशिक किंग का इसके बाद उस यूट्यूबर्स का रिप्लाई आता है तो आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा, और काशिक किंग की अगर कोई न्यू वीडियो में अगर रिप्लाई आता है तो वो भी बता दूंगा आप लोगों को। इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मेरे व्यूज अच्छे खासे आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी नहीं जाता यार, दिल से बुरा लगता है, इतनी मेहनत लगती है, इतनी न्यूज को कलेक्ट करने में भी मेहनत लगती है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दिया करें, ओपिनियन अपना कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया करें। चलिए भी आज के लिए भाई यही न्यूज़ थी, तो ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, कोई न्यू वीडियो में मिलते हैं, तो बाय।